बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो पेट के किस हिस्से में दर्द अनुभव होता है, कैसा दर्द अनुभव होता है और ये दर्द कब अनुभव होता है, फर्टिलाइजेशन के समय और भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, एक एग का निषेचन होना। एग और सेल आपस में जब मिलते हैं तो वो निषेचित होते हैं, उससे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होना। अब फर्टिलाइजेशन जब होता है तो बहुत सारी महिलाओं को ये जिज्ञासा होती है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन से लक्षण उस वक्त दिखेंगे। कई महिलाओं को तो हल्का हल्का पेट में दर्द भी अनुभव होते रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं कि वो फर्टिलाइजेशन का है या फिर कुछ और है। चलिए इस वीडियो में जानेंगे और क्या फर्टिलाइजेशन के लक्षण आप सभी को महसूस होंगे जब आपको फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चीज़ कि फर्टिलाइजेशन, मैं आपको वीडियो को शुरू में एक बता चुकी हूँ कि क्या होता है। दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पेट के किस हिस्से में अधिकतर दर्द अनुभव होता है, तो हो सकता है कि पेट के दाएं या बाएं साइड। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब फेलोपियन ट्यूब में, जिस भी फेलोपियन ट्यूब में एग मौजूद होगा अंडाशय से बाहर निकल के, वहाँ पर एग जो है सेल से फर्टिलाइज करने के लिए वेट करता रहेगा कुल एक दिन जो है, या फिर कह लें 24 घंटे तक वो फर्टिलाइज करने के लिए वेट करते रहता है। तो जब सेल के साथ उसका मिलाप होता है तो वो निषेचित हो जाता है, एक जायगोट का निर्माण करता है निषेचित होकर। बिल्कुल उसका अगर मैं आकार बताऊं तो इतना छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकती हैं। ठीक है, आपको दिखता होगा, पिक्चर्स में दिखते होंगे जिसमें इतने बड़े आपको अंडे का आकार दिखता होगा, तो वैसा नहीं होता है, वो बिल्कुल साइज़ में छोटा होता है। तो इस तरीके से उसका एक छोटा सा जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, दाने के समान जिस भी फेलोपियन ट्यूब में वो मौजूद होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिस भी फेलोपियन ट्यूब में वो मौजूद होगा, वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हल्का हल्का सेंसेशन टाइप का फील होगा या हल्का हल्का सा दर्द आपको महसूस होगा। ये दर्द महसूस हो सकते हैं, किसी एक दिन आपको महसूस होगा या फिर कुछ घंटे महसूस होंगे। अगर किसी महिला को ज़्यादा नोटिस नहीं हो रही तो कुछ घंटे महसूस होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। अब ये फर्टिलाइजेशन का जो लक्षण है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी महिला को समझ में, बिल्कुल नहीं। फर्टिलाइजेशन के दौरान और भी लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि उबकाई आना, वोमिटिंग जैसा फील होना, ब्रेस्ट में हल्का सा सेंसेशन फील होना, पेट में किसी एक तरफ, जिस भी तरफ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, सेंसेशन टाइप का फील होना। तो ये कुछ ऐसे मोटे तौर पे सिम्टम्स हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी महिला को नज़र आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये थोड़े बहुत महिला को नज़र आते हैं, अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल थोड़े अमाउंट में, सबको नज़र नहीं आते हैं। या फिर जो महिला अपने बॉडी के सिम्टम्स को, छोटे से छोटे सिम्टम्स को जल्दी पकड़ लेती हैं, उनको फर्टिलाइजेशन के सिम्टम्स समझ में आएंगे। ये दर्द मैंने बताया कि किस तरफ होता है। अब ये दर्द होता कैसा है, तो ये दर्द देखिए मैंने बोला सेंसेशन टाइप का भी हो सकता है या फिर हल्का हल्का, जैसे कि आपके पेट में गैस, एसिडिटी जब हो जाती है तो जो हल्का हल्का क्रैम्प होते रहता है, पेन होते रहता है, ये दर्द वैसा भी हो सकता है। मतलब ये कि ये दर्द बिल्कुल तीव्र नहीं होता है। अगर आप सोच रही हैं कि पीरियड के क्रैम्प के जैसा होगा, उससे मिलता जुलता दर्द होगा, तो यहाँ मैं बता दूँ वैसा भी दर्द महसूस नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, बहुत हल्का दर्द महसूस होता है उस दौरान। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के सिम्टम्स को अगर आप, जैसे कि ओवुलेशन के डेज में आपका ओवुलेशन चल रहा है, ओवुलेशन के डेज में आपने ट्राई किया, तो 3 दिनों के अंदर आप इस सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि यही 3 दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाँ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम किसी महिला को लगे, लेकिन नॉर्मली जिनके ये सारे साइकिल्स सही हैं, पीरियड सही टाइम पर आते हैं, उनको नॉर्मली 3 दिनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब ओवुलेशन उनका होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन उनका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।